नवम्बई करो को डीसीपी सुरेश मेंगड़े का जरूरी संदेश, नियमों का पालन करें, सतर्क रहकर मनाएं नए साल का जश्न। कोरोना महामारी के बीच मनाए जा रहे नववर्ष 2021 को लेकर नवम्बई जोन 1 के पुलिस उपायुक्त सुरेश मेंगड़े ने नागरिकों को आगाह किया है कि वे सतर्क रहकर नए साल का जश्न मनाएं। ऐसा कुछ भी न करें जिससे कानून व्यवस्था और नियमों का उल्लंघन हो। नववर्ष की पूर्व संध्या पर नवम्बई करो के नाम अपने संदेश में डीसीपी सुरेश मेंगड़े ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी नियम निर्देशों का पालन जरूरी है, इसलिए 31 की रात 11 बजे के बाद घर से ना निकलें। इमारतों के टेरिस, गार्डन या फिर अन्य ठिकानों पर 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हों। बिना परमिशन सार्वजनिक तौर पर सेलिब्रेशन ना करें। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि रात 11 बजे के बाद सभी रेस्टोरेंट्स, बार्स और होटल बंद करवा दिए जाएंगे। सरकारी आदेशों का पालन कराने 2000 पुलिस कर्मियों और 350 ट्रैफिक पुलिस जवानों की तैनाती की गई है, जो हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, इसलिए नियमों का पालन करते हुए ही नववर्ष मनाएं। दिसंबर की शाम नजदीक आ रही है और नई मुंबई पुलिस ने पूरी तैयारी की है कि इस शहर के सारे नागरिकों को ये ईयर एंडिंग एक अच्छी तरह से साजरा करने के लिए चांस मिले, संधि मिले। लेकिन वो सब गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस दिए वो गाइडलाइन के हिसाब से होगा। रात को 11 से सुबह 6 बजे तक सारे रेस्टोरेंट, सारे आस्थापनाएँ बंद रहेगी। गच्ची के ऊपर पार्टी के लिए मनाई किया गया है। माझे कुटुंब माझी जवाबदारी, ये जो संदेश गवर्नमेंट का है वो आप हम सब ध्यान में रखना चाहिए। हम लोग आह्वान करते हैं सभी नागरिकों को कि वो अपने घर में अपने कुटुंब के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ ये ईयर एंडिंग साजरा करें। अननेसरी बाहर घूमने वाले लोगों के ऊपर या कोई शराब पी के दंगा मस्ती करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए नई मुंबई के दोनों जोन में 2000 पुलिस कर्मी, जिसमें 350 एक्स्ट्रा ट्रैफिक के कर्मचारी अधिकारी मौजूद हैं। इसके बावजूद भी कुछ स्ट्राइकिंग्स रखे, अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो स्ट्राइकिंग का भी यूज़ करेंगे। मैं आह्वान करता हूँ कि ये सारे नियमों का पालन करते हुए हम सब मिलके ये ईयर एंडिंग साजरा करेंगे, ताकि हम अगले साल में जो ये कोरोना COVID-19 है उसकी बाधा से हम बच सके। मैं सबको नई मुंबई पुलिस की तरफ से सभी नागरिकों को शुभेच्छा देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।